शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठंडा है, महाठंडा। चल निकल यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रही है? देख, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो तू सिखा देना। इधर स्कूल नहीं चलता, बिजनेस चलता है। चल भाग यहाँ से। एक मौका देना मुझे, मैं तेरे को कुछ कर दूंगा। निकल यहाँ से। मेरी बात तो निकल। अरे मेरी बात तो सुने। निकल यहाँ से। मैंने कहा लिफ्ट। अरे चलना चिकने, चलेगा क्या? छोड़ 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 भाई भाई, ये धोखा है। निकल फटाफट, निकल निकल। अरे अरे सुन तो, आज तो दिन ही खराब है, कोई रुक ही नहीं रहा है। अरे सुनना रे, चलेगा क्या? इतनी रात में हीरा जवाहरात चमका रही है, कोई लूट कर ले जाएगा तो मुझे मत बोलना। तू चुरा ले बे। चलेगा क्या? कितना पैसा लोगे यार? 2000 सर। 2000? पहले मुझे सौदा अच्छे से देख दो लेने दे। देखना रे, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो वही है ना? हाँ, चीटर? अरे चीटर नहीं हूँ बे, लवर हूँ तेरी। चल छोड़ छोड़। मुझे पिया हुआ मत समझ, मैं नशे में नहीं हूँ, समझी क्या? मुझे पता है कि तू क्या चीज है। डोंट टच मी, डोंट टच मी। अरे माँ, बेटी क्यों नहीं दी आज? देखो कितना लेट हो गया उठने में, एक चाय पिलाओ ना माँ। मैं तेरी माँ हूँ, मुझ पर ऑर्डर मत चला, और ऑर्डर चलाना है तो जाओ शादी करो, बहू लेकर आओ। माँ मुझे नहीं लगता भैया की शादी होगी, 8 से 10 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं इनको, पता नहीं कोई लड़की इनको पसंद क्यों नहीं करती। एक चाय क्या मांगी तुम दोनों से, और इतना कुछ सुना दिया मुझे, मैं खुद ही बना लेता हूँ अपनी चाय। और हाँ, एक दिन आपके लिए बहू, और इस माधुरी के लिए भाभी लाके आप दोनों के सामने खड़ा कर दूंगा मैं। हाँ चाय बना लो, उसके बाद तैयार हो जाना, शाम को एक और लड़की आ रही है रिश्ते के लिए, और उससे सही से पेश आना। आओ ना अर्पिता, ये मेरा रूम है, आओ बैठो ना प्लीज। कंफर्टेबल तो कैसा लगा मेरा रूम? अच्छा है। मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ कि शादी के बाद हम कहाँ कहाँ घूमने चलेंगे। देख मिनट, ये देखो, पहले ना हम मसूरी चलेंगे, वहां हम ये कैंपटी फॉल्स देखेंगे, फिर लाल तिब्बा, फिर रेड हिल पॉइंट चैलेंज, और ये कंपनी गार्डन। तुम खुद से देखो ना। उसके बाद ना हम ऊटी चलेंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठंडा है, महाठंडा।
ये भी मुझे ठंडा ना समझ ले, इसे और इम्प्रेस करना पड़ेगा। अर्पिता तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना पहले किसी ने नहीं किया होगा। सीरियसली अर्पिता, पागल हो क्या? इडियट। अर्पिता मेरी मेरी बात तो सुनो, अर्पिता एक बार मेरी बात तो सुनो। माँ चलो, ऐसे बदतमीज के साथ मैं 10 मिनट तक नहीं रह सकती, पूरी जिंदगी बिताऊंगी। चलो बेटा मेरी बात सुनो, सुनो तो बेटा। क्या किया उस लड़की के साथ तुमने रूपेश? मैंने कुछ नहीं किया माँ। माँ भैया ने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी किस्मत ने किया है। अब तो पक्का हो गया, इनकी किस्मत में बीवी लिखी ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए कहां से लड़की लेकर आऊं। मैं हूं ना विनोद, मैं हूं ना, मेरे सारे अरमान पूरे करूं। सिर्फ बातों से जान मत ले डॉली, आज तो कुछ करना प्लीज। क्या सोच रही डॉली, और कितना वेट कराएगी? बस विनोद। क्या मतलब? तुमने 3000 रुपए डाले थे ना, 3000 में इतना ही मिलेगा। तो और कितना लेगी आगे दिखाने का? इससे आगे बढ़ने के एक एक स्टेप के 10 गुना ज्यादा पैसा लगेगा। समझ गया, तो एक बार में जान नहीं लेगी। चल दूंगा, तुझे जितना चाहिए उतना दूंगा, आगे बढ़। पहले आगे के स्टेप के 30,000 मेरे अकाउंट में डाल, तब बात करूं। डालूंगा 30,000 भी, मुझे हल्के में मत लेना। तेरे लिए 30,000 भी लाऊंगा और 3 लाख भी, वेट कर मेरा। चल फिर बात करेंगे। शुक्र से बच गई, वरना मेरा भेद खुल जाता ना, मेरी सारी कमाई चली जाती। मेरी भलाई इसमें कि मैं लड़की बनी रहूं, वरना सारे कस्टमर भाग जाएंगे। परेशान है तो परेशानी भूल जाइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और मन चाही बातें कीजिए और दिल का बोझ हल्का कीजिए। कॉल करके देख लेता हूँ एक बार। कॉल करने के लिए धन्यवाद, अगर बातों से दिल बहलाना है तो एक दबाइए, अगर मिलने का मजा लेना है तो दो दबाइए, मिलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो 3 दबाइए। गुड इवनिंग रुपेश जी। गुड इवनिंग, आपको मेरा नाम कैसे पता है? हम दिल की दवा करते हैं जी, मरीज का सारा बायोडाटा रखते हैं। अच्छा, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम भी पता चल ही जाएगा रुपेश जी, पहले दोस्ती तो गहरी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, दरअसल मैं मुझे भी एक दोस्त की तलाश है, तो क्या हम मिल सकते हैं मैडम? क्यों नहीं सर, हमारे यहाँ दिल के दुखी लोगों का फुल ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको भी फुल सेटिस्फाई किया जाएगा। तो बताइए मैडम, कब मिल सकते हैं हम? सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि मिलने के लिए फीस लगती है। ठीक है जी, बताइए ना कितनी फीस लगेगी। 5,000 रुपए इसी नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं जी? पैसे अकाउंट में आते ही वो मिलने की लोकेशन और टाइमिंग बता दी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, अभी कर देता हूँ। ठीक है बाय, अभी ट्रांसफर करता हूँ। 5,000 डन, हो गया ट्रांसफर, अब होगी मुलाकात इनसे। फर्स्ट क्या मुर्गा।
बहुत सुकून मिलता है तुम्हारे घर में आके डॉली। अच्छा रुपेश तुम बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती। ओके थोड़ी अजीब है, आवाज भी मर जाना है, पर कुछ तो बात है इसमें। क्या बात है डॉली, डॉली तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अरे रुपेश तुम यहाँ आ गए? जहाँ डॉली वहां उसका रुपेश। नहीं नहीं रुपेश, हम अभी इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ तो ठीक है ना डॉली, शादी कर लेते हैं ना। हे भगवान, ये तो सीधे शादी पे पहुंच गया, इसको कैसे समझाऊं कि मैं लड़की नहीं हूँ। क्या सोच रही हो डॉली, तुम शादी के लिए तैयार तो हो ना? नहीं रुपेश, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों, तुम उससे प्यार नहीं करती हो क्या? अरे रुपेश प्यार करती हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं कर सकती। शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है डॉली जो तुम मुझे नहीं बता सकती? डॉली ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम्हें ये सब हरकतें करनी है ना तो चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी मत आना मेरे घर। मैं चला जाऊं डॉली, मैं परेशान करता हूँ तुम्हें, दूर करना चाहती हूँ ना तुम मुझे। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डॉली। ठीक है मैं अपनी जान ले लेता हूँ, नस काट लेता हूँ मैं अपनी। नहीं रुपेश प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हाँ तो हाँ बोलो डॉली, बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। रुपेश प्लीज ऐसा मत करो। डॉली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 3 तक गिनूंगा, और अगर तुमने हाँ नहीं बोला ना तो मैं यही तड़प तड़प के अपनी जान दे दूंगा। 1। ये तो सनक गया है, कुछ भी कर सकता है। हाँ बोल देती हूँ, पैसे वाला है, कुछ दिन में पैसा रुपया लेकर किसी दूसरे शहर चली जाऊंगी। 2। हाँ रुपेश मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू डॉली। भैया ये कौन है? तेरी भाभी है, माँ को बुलाओ ताकि वो अपनी बहू का स्वागत करके उसे घर के अंदर ले जाए। इसका स्वागत? देख माँ तेरे लिए कितनी सुंदर बहू लेकर आया हूँ। मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि एक दिन इस घर की बहू को लाके तुम दोनों के सामने खड़ा कर दूंगा। तूने इससे शादी की है? हाँ माँ, मंदिर में, आप देख तो रही हैं। दिख रहा है शादी करके आया है, ये बात अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? माँ वो क्या हुआ कि सब कुछ ना बहुत हड़बड़ी में हुआ, और फिर ये डॉली भी ना शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए माँ मैं टाइम वेस्ट करके चांस नहीं लेना चाहता था। अब ठीक है ना माँ, अब तो आपकी बहू आ गई ना, अब गृह प्रवेश की तैयारी करवाइए। ये मेरी बहू नहीं है, तुम इसे लेकर आए हो ना तो गृह प्रवेश भी तुम ही करा लो। ये
माँ तो नाराज हो गई। माधुरी जब तू जाके आरती की थाल लेके आना। अगर माँ को ये शादी मंजूर नहीं है तो मुझे भी ये मंजूर नहीं है। अरे माधुरी कोई बात नहीं डॉली, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, वो बहुत जल्दी मान जाएंगे। आओ यार, ये विनोद मरवा देगा मुझे कॉल कर करके। भाई यार डॉली जी जल्दी आ जाओ। डॉली क्या कर रही हो, जल्दी आओ ना बाहर। आ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है डॉली, कब से फोन लगा रहा हूँ फोन ही नहीं उठा रही। इग्नोर तो नहीं कर रही मुझे, कोई और तो नहीं मिल गया उसको। डॉली इतनी देर क्यों लग रही है। सॉरी रुपेश, वो क्या है ना, मुझे बाथरूम में थोड़ा वक्त लगता है। अरे मैं तो डर ही गया था। कोई बात नहीं आओ। एक प्रॉब्लम है रुपेश। आप क्या प्रॉब्लम हो गई डॉली। क्या है ना रुपेश, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाती है तो मैं एक हफ्ते तक उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगी। ओह गॉड, ये मन्नत कब मांगी तुमने। बहुत पुरानी मन्नत है, क्या तुम इस मन्नत में मेरा साथ नहीं दोगे। जो हुआ सही नहीं हुआ रुपेश, को ये सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, भैया को जो करना था वो भैया ने कर लिया, लेकिन तू कब तक परेशान रहेगी। जिंदगी भर का दाग तो लग गया ना बेटा। रुपेश को ये सब करने से पहले परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए था। अब लोग क्या कहेंगे, सरोज के बेटे ने एक लड़की को भगा के शादी कर ली। कल को तेरी भी शादी होनी है, कौन थामेगा तेरा हाथ। वो लड़की मुझे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं होती। रुपेश और उसका रिश्ता मुझे कतई मंजूर नहीं है। तू चिंता मत कर माँ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि भैया उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें। जैसे ही तू अपने कॉस्मेटिक्स यूज करेगी, तेरा रूप रंग सब बदल जाएगा। फिर जिस रूप पे भैया लट्टू है, वो तेरा ये रूप देख के तुझे सीधा घर से बाहर निकाल देंगे।
डॉली ये तुम अपने पुराने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की क्रीम लोशंस और परफ्यूम लेकर आया हूं। ये सब आइटम मैं फेंक दूंगा और तुम्हारे लिए मैंने अपना कबर्ड भी खाली कर दिया। तुम चाहे तो अपना सामान रख सकती हो। थैंक यू सो मच। बच गई तू आज डॉली, किस्मत अच्छी निकली तेरी। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं। समय ही खराब है बेटा, इसलिए हमारा सोचा हुआ पूरा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, तू बैठ, तुझे कुछ दिखाती हूँ। अरे माँ ये तो बड़ा प्यारा है, है ना? हाँ ये भी। हाँ ये भी। कितने अरमानों से इन सबको मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया था, सारे सपने बिखर गए मेरे। मुझे समझा रही थी और अब खुद ही उदास हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको मेरी शादी के लिए गहने बनवाने ही थे ना, तो मुझे दे देना। हाँ बेटा अब ये सब तेरे है। उस कलमुही डॉली को तो मैं अपने हाथों एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। अरे माँ ने तो जग में पानी नहीं भरा, मैं जाके पानी भर के आती। अकेली सही है, सारे के सारे गहने कबड़ में ही होंगे। चलो बढ़िया, लॉक ये भी लॉक। चाबी कहाँ होगी? सिराने के पास हो सकती है। Thank you.
अब जब जब तू इन सामानों को छुएगी और जहां जहां हाथ लगाओगी तब तब शरीर में ऐसे पफूले फूटेंगे, आंखें तो खुजला खुजला के लाल ही हो जाएंगी और चेहरा चेहरा तो भद्दा हो जाएगा तुम्हारा। ये मेंस किट इसके कबर्ड में कैसे? शायद भैया का हो, लेकिन भैया का तो कोई भी सामान नहीं है इसमें। पता करना होगा। भगवान, ये तो औरत नहीं है, ना आदमी है ना औरत, तो क्या भैया को भी नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? ये भैया भी ना पता नहीं किसको बीवी बनाकर लेके आ गए। क्या करूं? एक काम करती हूँ, भैया को फोन करती हूँ। क्या देखा तुमने वॉशरूम में? तेरी असलियत, और अब मैं जाके सबको बता दूंगी कि तू लड़की नहीं कुछ और ही है। अब ऊपर जाके बताना सबको। माधुरी बेटा, प्रसाद ले लो। माधुरी, ऐसे क्यों लेटी हो? माधुरी, माधुरी, तबीयत ठीक नहीं है बेटा? माधुरी, माधुरी, रुपेश, रुपेश, माधुरी, डॉली कहाँ गायब हो गई तू? मैंने तेरी फी का इंतजाम कर दिया है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा यार। पैसे डाल मेरे अकाउंट में, दिखाती हूँ तुझे जो तू देखना चाहता है। ठीक है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। सबसे पहले बॉडी को किसने देखा था? मैंने देखा था। मैं मंदिर गई थी, जब लौट कर आई तो मैंने देखा वो अपने कमरे में पड़ी थी, उसके साथ थम चुकी थी। और आप कहाँ थे? मैं अपने काम पर गया हुआ था सर, माँ का फोन आया तो मैं आया। ये माधुरी और आप दोनों के अलावा इस घर में और कोई रहता है? मेरी पत्नी डॉली रहती है सर, लेकिन पता नहीं सर वो फिर आप फोन क्यों नहीं उठा रही है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डॉली, डॉली, उसने मेरी बेटी को मारा है और उसे मार कर वो यहाँ से भाग गई। ये क्या कह रही हो माँ? डॉली क्यों मारेगी माधुरी को? होश में हो माँ? क्या हुआ माधुरी को? सर, ये मेरी पत्नी डॉली।
हमें माधुरी की लाश मिली है। क्या? जी हाँ, और हमेशा के उसका मर्डर हुआ है। हे भगवान, इसका मर्डर किसने किया? वैसे आप कहाँ गई थी? मैं तो मार्केट गई थी अपना फोन रिपेयर कराने। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप लोग शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। केमिकल है सर, ये जहरीला केमिकल इस कबर्ड में क्यों रखा हुआ है? डॉली, डॉली, क्या हुआ अर्पेश? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पॉइजनस केमिकल कबर्ड में क्या कर रहा है? ये मैंने नहीं रखा रुपेश, मुझे लगता है ये किसी और ने रखा है। कोई चुप चुप के हमारे कमरे में आता है। हमारे अलावा या तो माँ आती है या फिर माधुरी आती थी, और वो छुप छुप के क्यों आएंगे? ये कमरा भी तो इस घर का हिस्सा ही है ना। रुपेश, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कुछ दिनों से। मुझे लग रहा है कहीं हमारे सारे कपड़े पे किसी ने स्प्रे ना कर दिया हो। डॉली, डॉली तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, ये सारे कपड़े लॉन्ड्री में दे दो, तब तक मैं बाकी सामान और कबर्ड साफ कर देता हूँ। लेकिन जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, ओके? मैं केमिकल फेंक कर आता हूँ। हो सकता है माधुरी पूरे कपड़ों पर स्प्रे करके चली गई, पर उसके किए की सजा तो मैंने उसे दे दी। माधुरी, फिर भी ऊपर जाके ये गलती मत कर, ओके? ये क्या कर रहे हो रुपेश? ये सब तैयारी है किसके लिए? आज तुम्हारा व्रत पूरा हुआ डॉली, आज मैं अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करूंगा डॉली। ये तो एक ही दिन में गिन करके रखा था। हाँ भाई, क्या करूं मैं यहाँ पर? कुछ तो करना होगा। क्या करूं? क्या हुआ डॉली, क्या सोच रही हो? देखो, 5 तारीख को हमारी शादी हुई और तुम्हारा व्रत शुरू हुआ, और आज क्या है, 12, मतलब पूरे 7 दिन, 1 हफ्ता। तुम सच बोल रहे हो रुपेश, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी। दूसरी प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हें 4 दिन और वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे औरतों वाली प्रॉब्लम होगी, पीरियड शुरू हो गए। क्या यार डॉली, कितना तड़पाओगी तुम मुझे? बस 4 दिन और रुपेश, बस 4 दिन वेट नहीं कर सकते? सबर का फल मीठा होता है वैसे। फोन क्यों नहीं उठा रही है? बहुत चालू निकली है डॉली, पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया अब तक। छोड़ूंगा नहीं इस डॉली को मैं।
मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे तुमको देखना है अभी और इसी वक्त। ये पागल तो मरवाएगा मुझे। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मुझे इतना परेशान मत करो वरना मैं फोन स्विच ऑफ कर दूंगी। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। बे यार, ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है, क्या करूं अब? ये शेविंग किट माधुरी की तो नहीं है, शायद रुपेश की होगी। पर ये यहाँ इस ड्रॉवर में क्यों है? रुपेश से चल के पूछती हूँ। सो रहा है, उसकी बीवी कहाँ चली गई? आज आखिरी बार है, आज तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। ये डॉली गेस्ट रूम में किससे बात कर रही? आगे बढ़ डॉली, आगे बढ़। ये सब मैं बहुत देख चुका हूँ, आज मैं तुझे पूरा देखना चाहता हूँ। तुझे आगे देखना है ना, रुक दो मिनट, ले कर ले तेरी ख्वाहिश पूरी, कर ले तसल्ली। ये क्या, तू किन्नर है? हाँ यही है मेरी असलियत, मैं किन्नर हूँ। अब तो छोड़ दे मेरा पीछा। डॉली, तू किन्नर है? इतना बड़ा धोखा! रुपेश, रुपेश जल्दी आ, देख तू किसे अपनी बीवी बना कर लाया है। पागल हो गई क्या तू? माँ तुम ठीक हो? बेटा ये डॉली, ये लड़की नहीं है, ये किन्नर है, और माधुरी को भी इसी ने मारा है। हाँ मारा है मैंने माधुरी को, अब इसे भी नहीं छोड़ूंगी।